good morning friends welcome to my channel science learners in this video again we got a one advisory circular uh, this is given by the karnataka government secretary in vikas sudha bangalore dated is 28 uh, 11 means uh, 28th november ka hai ye. and what is the advisory is given by the government subject is postponing of the social cultural and academic events in the educational institute regarding मीन्स uh, अभी मीटिंग uh, एक हेल्ड हुई थी जिसमें चीफ मिनिस्टर uh, के uh, इसमें अंडर में ये मीटिंग रखी गई थी और ये ट्वेंटी सेवन्थ को मीटिंग गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने रखी है इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि पोस्पोंडिंग ऑफ द सोशल यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं इन दैट सोशल कल्चरल एकेडमिक इवेंट्स जो अभी तक हम परफॉर्म कर रहे थे वो पोस्टप्ड करना है वॉट इज़ द रीज़न एंड वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस लेट्स चेक इट

वो जब जॉब को जाएंगे तो उनके प्रॉपर स्क्रीनिंग वगैरह होकर करके उनको एंटर होना है या फिर गैदर होना है गैदर भी नहीं होना है मीन्स uh, जो भी उनका uh, डेली रूटीन है उसमें स्क्रीनिंग होने के बाद यानी uh, चेकिंग होने के बाद ही उनको वहाँ अटेंड होना है नेक्स्ट इज़ ऑल सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट मे बी पोस्टपोन्ड फॉर द टू मंथ्स और ये भी सरकार ने कहा ये भी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने कह दिया कि जितने भी सोशल या कल्चरल इवेंट्स जो अब तक हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में परफॉर्म कर रहे हैं जैसे सेमिनार हो गया और uh, ये कॉन्फ्रेंस uh, वगैरह हो गए वो हमें अभी टू मंथ्स के लिए पोस्टपोन्ड करने का एक और नोटिस आ सकता है थर्ड इज़ द कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स एकेडमिक इवेंट्स एट्सेट्रा इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वेयर एवर पॉसिबल मे बी पोस्टप्ड ऑलरेडी इट कुड बी कंडक्टेड इन द हाइब्रिड मोड मीन्स जो अभी तक हम इतना फ्रीली सेमिनार्स वगैरह एकेडमिक इवेंट्स वगैरह कर रहे थे वो सारी चीज़ें अभी हमें थोड़ा हेल्डअप करना है जैसे कॉन्फ्रेंस हो गया सेमिनार और एकेडमिक इवेंट्स जो हमारे कॉलेजेस वगैरह में चलते हैं उसे अभी हम थोड़ा पोस्पोंड करना है और उसे अगर हम ले भी रहे हैं तो बहुत ही हाइब्रिड मोड में यानी बहुत जितना कम से कम लोगों का गैदरिंग uh, हो सके उसमें हमें वो परफॉर्म कर लेना है फोर्थ पॉइंट इज द हेड ऑफ़ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुड टेक ऑलमोस्ट केयर टू इंश्योर द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और जो भी हमें गाइडलाइंस प्रोटोकॉल्स दिए हुए थे कोविड के लिए उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कॉलेज में भी कैंपस में भी नेक्स्ट वी विल सी फिफ्थ पॉइंट देल्थ केयर प्रोफेशन में ऑल्सो कंडक्ट द कॉन्फ्रेंस सेमिनार्सन एटसेट्रा एटसेट्रा वर्चुअली यानी कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी जो है जो भी डॉक्टर्स हैं नर्सेस हैं पैरामेडिकल्स के हैं फार्मासस्ट हैं इन सबको भी अगर कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स वगैरह ये सब अटेंड करना है तो वर्चुअली ऑनलाइन ही करना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इससे हम थोड़ा इसको क्या कर सकते हैं रोक सकते हैं कोविड को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं सिक्स्थ इज ऑल द हेड ऑफ़ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंश्योर वैक्सीनेशन ऑफ द स्टूडेंट ये पहले भी कहा गया था कि सारे स्टूडेंट हो स्टाफ हो उन सबको वैक्सीन्स ले लेना है तो अब ये फिर से क्योंकि डिटेक्ट हो रहा इधर उधर तो हमें ये श्योर sure अपने आप को कर लेना है जिन्होंने अब तक नहीं लिया उनको वैक्सीन्स ले लेना है और अपने आप को इससे बचाना है कोविड से क्योंकि फिर से डिटेक्ट हो रहे थे उधर इसलिए इसको और बढ़ावा ना दें इसको और फैलने से बचाएँ और ये जिनको दिया गया है ये आ, सर्कुलर ये यहाँ पे पूरा एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है और विद दिस इफ़ एनी न्यू अपडेट्स विल कम आई विल इन्फॉर्म यू टिल देन टेक केयर सपोर्ट माय चैनल एंड टिल देन टेक केयर बाय थैंक यू